मैया की, मैया की, साढ़े
स्वर्ण महादेव की जय, सब संतन की जय, भक्तन की जय, देवमयी गौ माता की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की परम पावन कृपा से पावन यह नवरात्रों में चल रही भगवान श्री ठारेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में भगवान माता जानकी की प्रेम वात्सल्यमय यह धारा हमारे इस मंदिर प्रांगण के महाराज जी श्री नारायण दास महाराज जी की पावन परम उपस्थिति में भगवान की अमृतमय पावन भक्तिमय मोक्षदायिनी कल्याण प्रदायिनी मुक्तिदायिनी भक्ति प्रदायिनी यह अमृतमय पावन कथा में उपस्थित आप सभी तमाम ग्रामवासी श्रद्धालु संगीतज्ञ विद्वान और इस संपूर्ण कार्यक्रम को नेपाल समेत अन्य राष्ट्र में भक्ति जागृति चैनल के माध्यम से भगवान के परम भक्त जो इस कथा का सीधा प्रसारण विशेष प्रसारण देख रहे हैं घर बैठ करके आप सभी को भगवान की परम पावन कथा आरंभ करने से पूर्व श्री संत भगवान के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रातःकाल योग के पश्चात महाराज जी आए, महाराज जी को भी कैमरे में लेना। और बहुत सरल हृदय के नाम से तो नारायण ही है और भगवान नारायण तो परम सरल है। भगवान नारायण के तो छाती में लात भी मारा तो भगवान ने महात्मा जी को कहा कि अरे कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई, आवाज डाउन हो गया आपका, बैटरी चेंज किए थे। ऐसे ही भगवान हमारे बाबा जी श्री नारायण दास जी महाराज जी, और सुबह बहुत अच्छी बात मुझे उन्होंने बताई, वो कह रहे थे कि आप जो है सभी को ऐसी प्रेरणा दें। यूं तो मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं लेकिन अंतिम दिन कहता हूं, और कल मैं कह भी रहा था, थोड़ी थोड़ी रूपरेखा बना भी रहा था कि कथा हम लोगों को श्रवण करनी चाहिए। और मैं कल कह रहा था कि हमारे पास जो भी चीज दिखाई देता है वह सब चीज हमसे छूटने वाला है, भगवान ने ही यह सब हम लोगों को दिया। वह बात अलग है कि हम भगवान को ही कह दें कि प्रभु हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। महाराज जी के पास बैठा हुआ था तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत सरल हृदय के महाराज जी ने कहा
महाराज आप भी जो है किसी दिन यहाँ प्रसाद लें, रूखी सूखी जो भी हो। संतों का प्रसाद प्रथम बात तो रूखी सूखी होता ही नहीं है, और इतना कहने के बाद पीछे महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मेरा क्या है, हम तो खाली हाथ यहाँ आए थे, जो भी मिल रहा है वो हनुमान जी और ठाड़ेश्वर महादेव का ही तो प्रसाद आ रहा है। संतों में और गृहस्थियों में यही अंतर है, ध्यान देकर समझो बात को। महात्माओं में, बाबाओं में और गृहस्थियों में जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है कि बाबा जी ने कहा कि हमारा क्या है, जो आ रहा है वो भोलेनाथ जी और हनुमान जी का ही है सब कुछ, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन गृहस्थी लोग भोलेनाथ जी को भी कुछ चढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, मेरा है, हमारा है, मैं को पकड़ रखा है, मैं को हमने छोड़ा नहीं। तो अक्सर मैं दो चार लाइन का एक भजन गाता हूं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। आदमी जब मरता है तो आदमी के जितने भी साथी, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार जो भी हैं, ध्यान देकर सुनो इस बात को। आज डायरी का पन्ना पलट रहा था तो मुझे ये चार लाइन दिख गई, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। यानी आपकी मृत्यु होगी तो आपके सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, परिजन, स्वजन कब तक आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपके मुख में गंगा जल डाला जा रहा होगा। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। क्या बजने लग गया है, एफएम पकड़ रहा है, मशीन में तो एफएम पकड़ता है, नेपाल में एफएम वो पकड़ लेता है। क्या कह रहा था, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा हूं हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। गाओ इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में साथी है मित्र के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक,
जी राम कहो भजन ही है साथी हरि के भजन अकेला भजन ही है साथी भजन मेला रहेगा का मेला रहेगा मेला रहेगा मेला रहेगा झमेला रहेगा मेला रहेगा झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा। ध्यान देकर सुनो, आज महाराज जी ने कहा हम डायरी पलटा ही रहे थे कि ये भजनों मिल गया। रे मन ये दो दिन का क्या रहेगा, जोर से बोलो। माता लोग गूंगी हो गई क्या, आपको भी तो बोलना पड़ेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा और कायम ये जग का झमेला रहेगा। आप लोग सोच रहे हैं ये झमेला खत्म हो, वो झमेला खत्म हो, ऐसा खत्म हो, वैसा खत्म हो, सारा झमेला यही रहेगा। आप मरऊ जाओगे तो भी झमेला। हम सोचते हैं कि हम हैं तो झमेला नहीं है, हम हैं तो झमेला खत्म कर दें। आपसे कुछ नहीं होना है। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। आदमी जब मरता है तो आदमी के जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सब दरवाजे में आकर क्या कहेंगे, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, क्या करे मर गया। और पत्नी जो आपकी परम प्रिया है, सात फेरे लगाते हैं और कहते हैं सात जन्मों तक साथ निभाएंगे। भारत में तो एक गाना ही चलता है, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। उस सात जन्म का फेरा निभाने वाले, सात जन्मों की बात कहने वाली वह पत्नी भी कहां तक जाएगी, वह पत्नी दरवाजे तक जाएगी, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, आपको चिता में रख देंगे और परिवार के लोग 10 फीट दूर खड़े हो जाएंगे। चिता के सामने परिवार के लोग भी नहीं जाते, जाते हैं क्या, दूर। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। आपका बेटा जो जिसको आपने पैदा किया, पढ़ाया, पाला, बढ़ाया और जिस पे आपको बड़ा गर्व था, वो आपका बेटा भी आपके माथे पर, पैरों पर, दाएं बाएं चारों तरफ आग लगा करके दूर खड़ा हो जाएगा और इंतजार करेगा भुड़वा जल्दी जले घर जाए। हकीकत है कि नहीं है, किसी का मुर्दा जलाता है कोई तो यही सोचता है जल्दी जले और हमको छुट्टी मिले। परिवार के आदमी भी यही सोचते, चलो भैया जल्दी खत्म हो, 2-3 घंटा तो बैठना पड़ेगा। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और उसके बाद सूटकेस में यमराज जी आपका हिसाब किताब लेकर बैठे रहेंगे। उसके आगे का चिंतन किया, कल मैं यही तो कह रहा था, सुबह से शाम तक आपने अपने निमित्त, अपनी मुक्ति के निमित्त क्या कुछ नहीं किया। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। परसों जब महाराज जी आए थे तो कल मैंने कहा था ना, इसी बात से कथा शुरू की थी महाराज जी हमने,
कि आप महाराज जी कह रहे थे मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सूरज धीरे 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 सूरज धीरे 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 ढलेगा और ढल ही जाएगा। इसीलिए हम 24 घंटे में आ गया ओम 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 ओम। तो 24 घंटे में अपने जीवन के कल्याण के निमित्त किए क्या? आज भी कुछ किया आप लोगों ने? अब बताओ, घर का काम छोड़ करके, खाली अपने शरीर के निमित्त काम छोड़ करके कुछ किया? किया कि नहीं किया? कुछ अलग किया भगवान के भजन के लिए, मुक्ति के लिए? आज कुछ किए कि नहीं किए? कि खाली खाना बनाना, खाना पीना, सोना और कथा सुनने आना है तो उसके लिए तैयार होना, इतना ही किया ना? बहुत अच्छी बात, कथा सुनने आ रहे हो। कथा तो जीवन में परिवर्तन का साधन है। बाबा जी मुझे बहुत अच्छी बात बता रहे थे, मैं भी अक्सर अपने शिष्यों को, भक्तों को यही बताता हूं कि 24 घंटे में हम कुछ भी करें, 24 घंटे आप कुछ भी करते रहो, जो मन कहो काम करते रहो, जैसा मन वैसा काम, खाना बनाना है खाना बनाओ, खाना खाना है खाना खाओ, जैसा जो समझ में आए वैसा करते रहो, लेकिन भगवान से, भगवान के लिए अपने निमित्त, अपने मुक्ति के निमित्त कम से कम रात को सोते समय 5 मिनट का ध्यान भगवान के लिए करो, राम जी के चरणों के लिए करो। कल भजन गाया था ना, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, कदम लड़खड़ाएंगे अब तो संभालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो कदम लड़खड़ाए हैं अब तो संभालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो कम से कम रात को सोने के समय। अच्छा बताओ, जब रात को सोते हो तो अपने लिए सोते हो कि दूसरे के लिए सोते हो? जोर से बोलो कि पड़ोसी के लिए सोते हो? जो भी रात में सोता है वो अपने लिए ही सोता है, इसलिए कम से कम
अरे ये तो अमेरिका का न्यूज बोलने लग गया। कहां से एफएम? एफएम कैसे पकड़ रहा है? इस माइक के कारण पकड़ रहा है। अब बजने दो उसको धीरे धीरे, क्या करें, अमेरिका की न्यूज बता रहा है। तो रात में हम सोते अपने निमित्त हैं, तो कम से कम रात को सोते समय बिस्तर में लेट जाओ, सब काम से मुक्त हो जाओ और 5 मिनट का चिंतन करो। सुबह से शाम तक हमने भगवान के निमित्त, अपने इस जीव कल्याण के निमित्त कुछ किया कि नहीं किया? और कुछ ना किया तो कम से कम रात में सोते सोते सीताराम 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 रटते रटते जब तक नींद ना आए तब तक रट ही लो। क्या पता अगले दिन का सूरज आप देख पाओ कि ना देख पाओ, कोई गारंटी है? कम से कम सीताराम 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 रटते रटते रात को सोते समय 5 मिनट का समय। देखो हम ये तो नहीं कह रहे कि दिन भर माला जपो, ऐसा वो नहीं कह रहे 18 घंटे माला जपो, 12 घंटे भगवान का जाप करो, 6 घंटे के लिए नहीं कह रहे, 3 घंटे के लिए भी नहीं कह रहे, 1 घंटे के लिए भी नहीं कह रहे, 1/2 घंटे के लिए भी नहीं कह रहे, 15 मिनट के लिए भी नहीं कह रहे। कितनी देर के लिए कह रहे? 5 मिनट। अब भैया 5 मिनट ना कर पाओ तो ये पोखरी में डुबकी लगा लेना। जो 5 मिनट भगवान का नाम न जप पाए, सब कुछ देने वाले कौन है हमको? भगवान। कल बताया था ना, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन इसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का सिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैंने कहा ना महात्माओं में गृहस्थियों में अंतर क्या है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अब बाबा जी लोग क्या कहेंगे,
सब ठाकुर जी का मिला हुआ है, अपना क्या है? सब तो ठाकुर जी का मिला हुआ। गृहस्थी लोग संचय में लगते हैं और महात्मा लोग संचय को खत्म करने में लगते हैं, जो है उसको खत्म। मैं पिछले वर्ष बद्रीनाथ गया था, बद्रीनाथ में एक महाराज जी मुझे मिले, उनका नाम था शीतल दास महाराज जी, और वो महाराज जी बड़े सरल हृदय वाले, बड़ी बड़ी जटाएं और जैसे अपने नारायण दास महाराज जी ऐसे एक तहमत लपेटे हुए, ठीक बद्रीनाथ मंदिर के, सत्य बात बता रहा हूं, उनकी फोटो है मेरे पास मंदिर के बगल में। मैं बोला महाराज जी दो तीन कमरों का आश्रम बनाने का मन है बद्रीनाथ में, कई महात्मा कई लोग आते हैं भक्त दर्शन को। बोले उसमें क्या जमीन खाली पड़ी, चाहे जितने मंदिर आश्रम बना लो, ऐसे ही दे दिया। हम भी सोचे फक्कर बाबा इसको क्या आता होगा, जटा में धूल जम रही, चेहरे में धूल जम रही, शरीर में धूल जम रही, हमने सोचा ऐसे ही बाबा होगा। और थोड़ी देर बाद किसी ने बोला, बोले आप महाराज जी के पास गए थे? हमने बोला हाँ। बोले उनके जितना बड़ा दानवीर बाबा आज तक मैंने देखा नहीं। हमने बोला क्या दान कर दिया, 1,000-2,000 रुपए दे दिया? बोले नहीं, जीवन भर में जितना दान दक्षिणा लोगों ने दिया उसका भंडारा करवा दिया उन्होंने। हमने बोला तो क्या दिया? तो बोले 1,000 तो एक एक ग्राम के सोने के सिक्का बांटे। बाद में क्या, मैंने बाबा जी ये आपने इतना सब दान का है बांट का है दिया? बोले क्या करें, मरने के बाद हमारे चेले लोग इसी के लिए लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो फिर बाबा का है कि इसीलिए बांट के मरो, सारी संपत्ति बांट डाल, भिखारियों को बांट दिया, गरीबों में बांट दिया, महात्माओं में बांट दिया। तो गृहस्थी क्या होते हैं, संचय करते हैं। अब मरने के बाद जाएगा क्या, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसलिए भगवान राम जी की कृपा चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा धर्म सब को, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा धर्म सब को, जा पर कृपा धर्म सब को, जा पर कृपा करो त्रिपुरारी, जा पर कृपा करो त्रिपुरारी, सोन पावन मुनि भगतु हमारी, सोन पावन मुनि भगतु हमारी, सोन पावन हमारू। जा पर कृपा न करो हूं त्रिपुरारी, सोन पाव मुनि भक्ति हमारी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करो हूं सब कोई। भगवान की कृपा के पात्र बनो, इसलिए एक महात्मा लोग शब्द कहते हैं कृपा पात्र, कृपा पात्र। और कृपा पात्र बनने के लिए कम से कम 5 मिनट का भगवान का भजन एकांतवास जब आपका है, जब आप घर के समाज के तनावों से मुक्त हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, तो एक बार चिंतन करो इस शरीर के मुक्ति के लिए हमने कुछ किया, और यदि नहीं किया तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम 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 पुनरपि जननी कथा सुनो इसलिए इस कथा को कह रहा हूँ क्योंकि कामदेव को आज भगवान भस्म कर देंगे, कामदेव तो दोबारा जीवित भी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग बार बार मर रहे हो बार बार जिंदा हो रहे हो, बार बार मर रहे हो बार बार जिंदा हो रहे हो। शंकराचार्य भगवान लिखे हैं इस बात को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी गच्छरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी गच्छरे शयनम पुनरपि जननी गच्छरे इह संसारे फल दुस्तारे इह संसारे फल दुस्तारे इह संसारे फल दुस्तारे इह संसारे फल दुस्तारे रुपया पाई तो पे मुरारे भज गोविंद 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 गोविंद भज गोरपते गोविंद पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मरना। बताओ आप लोग बार बार जन्म ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हाँ ले रहे हो ना, बार बार जन्म ले रहे हैं बार बार मर रहे हैं। पहले दिन मैंने पूछा था कौन कौन अमर होना चाहता, तो सब हाथ खड़े कर दिए। अब बताओ कौन कौन मुक्त होना चाहता है जन्म मृत्यु से, वो हाथ खड़े करो। जो मुक्त होना चाहता है कि बार बार जन्म बार बार मरण नहीं चाहिए हमको, वो हाथ खड़े करो। जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है खड़े करो हाथ। अरे बाप रे बाप, बहुत कम लोग मुक्त ही नहीं होना चाहते। कौन कौन मुक्त होना चाहता है हाथ खड़े करो। अब बाकी लोग यहाँ संसार में चक्की चलाना, कभी कुतिया बनना कभी कुत्ता बनना, कभी गधा कभी सुअर, कभी बैल कभी चींटी और मच्छर, यही बनना। 84 लाख योनि, यही तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ये थोड़ी ना कि इस बार मनुष्य बन गए तो अगले बार मनुष्य ही बनोगे, अगले बार भेड़ बनना, बकरी बनना, पाठा बनना और गला कटवाना। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ ऐसा काम करो कि मुक्त हो जाओ, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होगी। यह संसारे खलु दुस्तारे, खल मतलब जानते हो, वो यहाँ नेपाल में क्या बोलते हैं, वो कूटने वाले को खल बोलते हैं ना। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं 84 लाख योनिया यह संसारे खल दुस्तारे, खल है उसमें जो आएगा वो पिसेगा, चप चपा चप चप चपा चप चप।
कभी मुर्गा बनना, कभी बकरा बनना, कभी गधा बनना, कभी सूअर बनना, कभी कुतिया बनना, कभी कुत्ता बनना, कभी चींटी बनना, कभी ऊंट बनना, कभी मछली बनना। यह संसार खल दुस्तारे, कृपया पाहि पहि पहि। भगवान की कृपा होगी तभी मुक्त होगे, और भगवान की कृपा लेना है तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मोह मते। अरे मन, भगवान को भजन कर, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। और भगवान का भजन मुक्त देखो कोई नहीं होना चाहता। आप बताओ कितने लोग मुक्त होना चाहते, वो हाथ उठाओ। जो अब मुक्त होना चाहते मेरी बात सुन के हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया। और अब जो नहीं मुक्त होना चाहता वो चक्की पीसते रहना। इसलिए कम से कम 5 मिनट का भगवान का चिंतन रात में सोते हुए। सीताराम जपो, राधे श्याम जपो, राम राम जपो, नारायण नारायण जपो, नमः शिवाय जपो। जो भी आपका मंत्र है उसका जाप करो, लेटे लेटे बिस्तर में लेट जाओ। मन को भगवान में लगाओ, जैसे माता पार्वती ने भगवान को याद किया। माता पार्वती तपस्या कर रही है, और पार्वती मैया, कल हम लोगों ने बताया था ना, कछु दिन भोजन दरी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पावति मही परम सुखाई, तीन सहस संबत सुई खाई। पार्वती मैया तप कर रहे, किसको प्राप्त करने को लेकर? भगवान शिव को। भगवान शिव को प्राप्त करने को लेकर माता पार्वती तपस्या कर रही। और दूसरी तरफ ध्यान देकर कथा सुनो, आज गंगा मैया की कथा बता रहे। दूसरी तरफ माता गंगा भी भगवान शिव को प्राप्त करने को लेकर तपस्या कर रही। और पार्वती मैया की कथा तो रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कह दिया, लेकिन सत्यता यह है कि पार्वती से भी बड़ा तप माता गंगा का रहा। यही कारण है कि पार्वती बगल में बैठी, गंगा भगवान के माथे पर बैठ गई। पत्नियां माथे पर बैठ जाएं पतियों के तो समझना मालिका ही है। भगवान शिव को प्राप्त करने को लेकर माता गंगा बहुत तपती। माता पार्वती ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शिव गंगा के ऊपर प्रसन्न हो जाए और मेरे से विवाह ही ना हो। तो कहते माता पार्वती को पता चला कि श्री दुर्वासा ऋषि का उधर आगमन हो रहा है, क्रोधी है, तुरंत श्राप दे देते। और माताओं की एक बात है बड़ी कमजोरी, कि कोई 5 माताएं खड़ी हो और 4 एक झुंड में बात करे तो 5वीं जो देख रही है वो पूछेगी जरूर। पार्वती ने सोचा कि यही मौका है गंगा को श्राप दिलवाने को लेकर। ऋषि का आगमन सोच करके पार्वती और गंगा दोनों ने तैयारी की अपनी अपनी कुटिया में, चरण धोने के लिए जल तैयार किया। ध्यान देकर कथा सुनो, बिल्कुल ये कथा आपको नहीं पता, हमको पता है। चरण धोने को लेकर लोटे में पात्र में जल तैयार किया। घर में महात्मा है तो सबसे पहले क्या धुलाना चाहिए? चरण।
और चरण धोने को लेकर जल रखा। पार्वती ने अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया गंगा के समक्ष, और पार्वती सहेलियों के कान में क्या बोल रही है कि सखिया मैंने सुना है कि महात्मा जो आ रहे हैं उनके चरण धोने का जल यदि उनके मुख में फेंक दिया जाए तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। गंगा ने बोला क्या बात है बहन, क्या बोल रही हो? कहने लगी बहना मैंने सुना है कि जो ऋषिवर आ रहे हैं उन ऋषिवर को चरण धोने का जल उनके चेहरे पर यदि मार दिया जाए, फेंक दिया जाए तो महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे विवाह कर लेंगे। और मैं तो ये काम करूंगी। गंगा ने बोला मैं भी करूंगी। अब गंगा थोड़ी तेज निकली, महात्मा जी आए तो गंगा ने सबसे पहले उधर ही बुला लिया, मोबाइल बंद हो गया, उधर ही बुला लिया, मोबाइल बंद हो गया, उनको बुला लिया। अब जैसे ही बुलाया सो गंगा ने पैर धोने वाला जो जल लोटे में था उसको हाथ में लिया और मुनिवर के चेहरे में दे मारा, जोर से मारा। और जैसे ही जोर से मारा ऋषिवर तो क्रोधी थे, कहने लगे तू मूर्ख, न प्रणाम किया न आसन देने के लिए कहा, पैर धोने वाले जल को मेरे मुखमंडल में मारा, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हें। वही जल को हाथ में लिया कि जिस कामना से तुम तपस्या कर रही हो वह कामना तुम्हारी पूरी ना हो। क्या कामना थी? भगवान शिव से विवाह करने। पार्वती तो प्रसन्न हो गई, और पार्वती की प्रसन्नता को देखकर गंगा समझ गई मेरे साथ छल हुआ है। लेकिन गंगा शांत हो गई, श्राप नहीं दिया, मन में बात को रखा। और पार्वती गंगा ने सोचा कि मेरा विवाह महादेव के साथ भले ही न हो किंतु मैं महादेव को पा करके ही रहूंगी। तपस्या करने लग गई। दूसरे तरफ भगवान शिव के मन में भगवान नारायण की प्रेरणा हुई। भगवान नारायण ने कहा प्रभु तारकासुर का वध करना है, आपके अंश से ही होगा, इसलिए प्रभु आपको पार्वती से विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा शादी तो कर ले, लेकिन गारंटी क्या, सती जैसी पत्नी हो गई तो हमारी ही बात ना माने, इसके लिए एक बार देख सुन तो लिया जाए। भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा, आप सबको यह कथा पता है इसलिए संक्षिप्त में कथा को आगे बढ़ाते। सप्त ऋषि आए और माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने लग गए। माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने लग गए, क्या कहने लग गए कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें राजकुमार मिलेगा कहां, जंगल के जंगल में शमशान में रहने वाले को तुम याद कर रही हो। पार्वती ने कहा वही हमारे आराध्य हैं, उन्हीं को मैंने मन वचन और कर्म से पति मान लिया। तो कहने लग गए तुम्हारे पति मानने से क्या होगा, तुम पति मानोगे उससे क्या होगा, उससे कुछ थोड़ी ना होने वाला है, क्योंकि भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हो, भगवान शंकर की समाधि कहां टूटेगी। तो पार्वती कहती इस जीवन में नहीं टूटेगी तो अगला जीवन, अगले जीवन में न टूटे तो उसका अगला जीवन, मैं जब जब जन्म लूंगी केवल भगवान शिव के निमित्त ही लूंगी, और तब तक जन्म लेते रहूंगी जब तक भगवान शिव प्राप्त ना हो जाए। कहने लगे तू मूर्ख है, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव मूर्ख है, गुरुदेव अपनी शादी तो करा नहीं सके, तुम्हारी क्या खाक कराएंगे।
नारद वचन है, वो कहते हैं नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवन भिखारी। नारद जी के बातों को जो सुनता है, नारद जी उसको महल थोड़ी दिलाते, भिखारी बना देते। बताओ सुंदर राजकुमारी जंगल में भिखारी तो मंगवा दे, काय की तपस्या करवा दे। नारद जी की बातों को सुन करके आज तक किसी के जीवन में सुख मिला हो। पार्वती कहने लगी हमारे गुरुदेव हैं, गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने हो सुगम ना सुख सिद्धि देहि। जो गुरुदेव के वचनों की अवहेलना करता है, संत के वचनों की अवहेलना करता है, महात्मा विद्वानों की वचनों पर संदेह करता है, उसके जीवन में स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। किसने कहा ये बात? माता पार्वती ने, जगत जननी माता जगदम्बा ने कहा। ध्यान देकर सुनो, नवरात्रि चल रही है और माता दुर्गा ने क्या बात कही कि जो गुरु के वचनों की अवहेलना, गुरु के वचन प्रीति न जेही, गुरुजन संत जन विद्वान जन महात्मा जन के वचनों पर जिसकी प्रीति नहीं है, जो उनके वचनों की अवहेलना करता है, उसको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुजन संत जन महात्मा जन विद्वान जन बाबा लोगों की बातों को माननी चाहिए, क्योंकि साधु संत महात्माओं के मुख पर सरस्वती विराजमान है और उनसे मुख से निकला हुआ बात ब्रह्म वाक्य है, स्वयं भगवान ने कहलाया, ऐसा मान करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने सैकड़ों बार देखा है, अजमाया है कि किसी को किसी चीज के लिए मना किया और वह नहीं माने, परिणाम उल्टा हुआ। कई बार हमने किसी को कहा भैया मत जाओ, गए, एक्सीडेंट हो गया। कई बार किसी को कहा भैया ऐसे मत करो, किया, वहां घाटा हो गया। अपने ही ऊपर नहीं, और कई प्रमाण है। पार्वती मैया क्या कहती, गुरु के वचन प्रीति जे नाही, सपने ही सुख ना सपने ही सुगम ना सुख सिद्धि देही। जिसके मन में गुरु का वचन जिसने ना माना, उसको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं है। जैसे यह बात कहा, सप्त ऋषियों ने कहा तथास्तु, आपको भगवान शीघ्र दर्शन देंगे, आपको भगवान शीघ्र दर्शन देंगे। पार्वती तपस्या में लीन हो गई, भगवान ने दर्शन भी दे दिया, मन ही मन कि जाओ शादी की तैयारी में लगो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शरीर से तो भगवान तपस्या में बैठे हुए हैं। ध्यान देकर कथा सुनो, प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान तपस्या में लीन है, सती के वियोग में भगवान शिव समाधि पर है, और भगवान शिव की समाधि तोड़े कौन, भगवान शंकर की समाधि तोड़ेगा कौन? तो देवताओं ने सोचा समाधि तोड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव तो विवाह न करने का ठाना है, जब तक मन में कामना नहीं आएगी तब तक कार्य होगा नहीं, इसलिए कामदेव को भेजा। और कामदेव भी, संक्षिप्त में इस कथा को कह रहा हूं क्योंकि विस्तार से जो बात कहनी है वो मैं बताऊंगा, कामदेव भी वहां गए, रति को साथ लेकर गए कामदेव। ध्यान देकर कथा सुनो, आज आम के पेड़ की कथा आएगी। अब जो जहां बैठो वहीं बैठो, सरकने क्यों लग गए, आराम से बैठो। कामदेव भी
रति को लेकर गए और कामदेव ने भगवान शिव की समाधि तोड़ने को लेकर, ध्यान दो, कामदेव भगवान शिव की समाधि को तोड़ने को लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रामायण में लिखा है पांच अस्त्र चलाए कामदेव ने। और जैसे ही कामदेव ने अस्त्र चलाया, भगवान शिव शंकर की समाधि टूटी, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गए। कामदेव जल करके भस्म हो गए। अच्छा, कामदेव ही केवल भस्म हुए या कामदेव के साथ और भी कोई भस्म हुआ, बताओ? केवल कामई देव भस्म हुए कि कामदेव के साथ और भी कोई भस्म हुआ? तुलसीदास जी लिखते हैं कामदेव के साथ और भी कोई भस्म हुआ। इसका प्रमाण अब हम देते हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, ध्यान देकर सुनो। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, सौरभ पल्लव मतलब समझे, सौरभ पल्लव मतलब समझे हाँ? अरे हम तो सोचे कि राम कथा आप लोग पढ़ते हो तो याद ही समझते हो। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, आम के पेड़ में आम के डाल में बैठ करके कामदेव ने मदनु बिलोका। सौरभ पल्लव पत्ता, पल्लव किसको बोलते हैं? आम पल्लव। आम के पत्ते को हटा करके कामदेव ने मदनु बिलोका, पांच तीर चलाए, भयं कोप कंपे त्रिलोका। जैसे ही चलाया तो आम के पेड़ के पीछे जाकर छुपे कामदेव और पत्ते हटा करके देख रहे हैं, क्या हुआ? तीनों लोग कांप। तब शिव तीसर नयन उघाड़ा, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला। कामदेव कहाँ छुपे हुए? आम के पेड़ के पीछे, आम के पत्तों के पीछे। चितवत काम भरो जरी छारा, तो जैसे ही तीसर नेत्र की प्रकाश तीसरे नेत्र से अग्नि निकली तो कामदेव के साथ आम का वृक्ष भी जल करके राख हो गया। क्यों? क्योंकि सौरभ पल्लव मदन बिलोका। शिव महापुराण कहती है कि कामदेव के साथ आम का वृक्ष भी जल करके राख हो। अब तो भगवान बड़े कुपित हैं, क्रोध में हैं,
भगवान के क्रोध के कारण भयो कोप कंपे त्रिलोका, तीनों लोक हिलने लग गया। देवताओं ने सोचा यहाँ तो भगवान की समाधि तोड़ने आए थे, काम वासना जगाने आए थे कि शादी होगी। भगवान की समाधि तो टूटी, काम ही देव खत्म हो गया, भगवान की समाधि तोड़ करके लाभ क्या। दानवों में आनंद आ गया कि अब तो शिव विवाह करेंगे नहीं, शादी कर भी लें तो लाभ क्या है, कामदेव है नहीं, सूचना कर कामदेव है नहीं, और यदि कामदेव है नहीं तो लाभ तो कुछ होना नहीं है, कामदेव है नहीं तो लाभ कुछ होना नहीं। तो भगवान के क्रोध को शांत कौन किया आपको पता है? भगवान किसके वियोग में समाधि लगाए थे? सती, और सती की बहन का नाम रति, सती के बहन का नाम रति है। कहा जाए तो भगवान शिव रति के जीजाजी हुए, जीजाजी होंगे ना, और रति भगवान शिव की साली हो गई। और साली तो मजाक करती, लेकिन आज भगवान शिव क्रोध में है, सो रति समक्ष जाकर खड़ी हुई। भगवान तीनों लोग कांपने लग गए, और जैसे ही भगवान के समक्ष खड़ी हुई, भगवान का क्रोध शांत हो गया। रति ने कहा, प्रभु आपने ये क्या किया, मुझे विधवा बना दिया। रति रोने लग गई, भगवान महादेव के चरणों में गिरने लगी, कम से कम आप अपने अपने स्वजनों का तो ध्यान रखते, कामदेव तो एक तरह से रिश्ते में आपके भाई लगते, और आपने उन्हीं को मार दिया, प्रभु ये आपने क्या किया। रति ने भगवान से निवेदन किया, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, क्या? द्वापर युग में जब कृष्णावतार होगा तो कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मणी के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न नाम से प्रकट होंगे। लेकिन कलयुग में कामदेव का शरीर नहीं होगा, दूसरा वरदान दिया। कलयुग में कामदेव का शरीर तो नहीं होगा, लेकिन किसी भी आदमी का बिना कामदेव के काम ही पूरा नहीं होगा। क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हो। काम काम काम, सुबह से शाम तक क्या है? काम कर रहे। कथा में क्यों नहीं आए? काम कर रहे थे। कुछ भी हो तो काम कर रहे हैं। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में सब जीव काम में ही व्यस्त रहेंगे, सुबह से शाम तक काम है। तब तक आम का जो पेड़ जल करके राख हो गया, उसने भी भगवान को कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी? भगवान ने कहा, तुमने कामदेव को छुपाया, तुमने कामदेव को छुपाया, ये तुम्हारी गलती। अच्छा, एक मुझे प्रसंग ध्यान आ गया, कह देता हूं। कई लोग मेरे से कहते हैं, तो हमने जो नहीं किया उसका भी फल हमको भोगना पड़ता है, हमने जो काम नहीं भी किया वो भी हमको भोगना पड़ता। ऐसे ही एक महात्मा एक जगह कथा कर रहे थे, एक आदमी कहीं गया और बड़ी तेज की भूख लगी, एक आदमी कहीं गया बड़ी तेज की भूख लगी, रास्ते में आम का पेड़ दिखा, रास्ते में आम का पेड़ दिखा। अच्छा, भूख किसको लगी? भूख कहां पे पता चलती? शरीर में, शरीर में भूख हाथ में पता चलती, पैर में पता चलती, सिर में लगती कि पेट में? हैं? महात्मा जी कहते हैं, भूख लगी पेट को,
और पेड़ से आम किसने तोड़ा? हाँ, तोड़ता कौन है? जोर से बोलो ना। भूख लगी पेट को, तोड़ा हाथ ने, खाया कौन? अच्छा सबसे बड़ी बात, जिसने तोड़ा वो रखा नहीं, मुंह को दिया, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, मुंह कहां भेज दिया? भूख लगी पेट को, चल के गया पेड़ पैर, तोड़ा हाथ में, खाया मुंह ने, गया पेट में। तब तक घर से माली आया दौड़े 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 दौड़े, अब दो लाठी धर दिया पीठ में। आम तोड़ोगे? आदमी ने कहा अब बताओ बेचारे पीठ की गलती क्या? लगी भूख पेट को, गया पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, और आनंद मिला पेट को, और लाठी खाई बेचारे पीठ ने, लाठी खाई बेचारे। महात्मा ने कहा इसी में तो उत्तर है, लाठी खाई पीठ ने, तो मुंह से आवाज निकाला, कराने की आवाज कहां से निकली? हे राम, कहां से निकलता है? और चोट लगी पीठ में तो सहलाता कौन है? कौन सहलाएगा? और चोट ज्यादा लग गई तो डॉक्टर के पास चलकर कौन जाएगा? लगी पीठ को, सहलाया हाथ ने, डॉक्टर के पास लेकर गया पैर, दवाई खाया मुंह ने, गया पेट में, और ठीक पीठ हो गया। ठीक पीठ हुआ, दोस्तों पीठ का कुछ नहीं था, लेकिन पीठ को ठीक करना पड़ा। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि जो हमने किया वैसा हुआ नहीं, लेकिन भगवान की प्रकृति है वो होना है। चल के गया पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, स्वाद मिला पेट को, चोट खाई पीठ ने, सहलाया हाथ ने, डॉक्टर के पास गया पैर, खाया मुंह ने, और पेट में दवाई गई तो पीठ स्वस्थ हो गया। ये सृष्टि चक्र है, समझने वाले समझ गए होंगे, और ना समझ को समझाते समझाते हमें ही ना समझ में आएंगे। समझ गए, ये सृष्टि चक्र है। भगवान ने कहा कामदेव को छुपाया इसलिए भस्म हुआ, लेकिन कामदेव को आशीर्वाद दिया इसलिए आम तुमको तीन आशीर्वाद देते हैं। पहला आशीर्वाद दे दिया क्या कि काम आम तुम वृक्षों के राजा बनोगे और तुम्हारा फल फलों का राजा बनेगा। दूसरा आशीर्वाद दे दिया आम तुम्हारे पत्ते के बिना कोई भी कलश की स्थापना ही नहीं होगी। कोई भी कलश रखोगे उसके ऊपर नारियल रखते हो तो आम का पत्ता, और कहने लग गए कलश में तो छोड़ो, जिस घर के दरवाजे आम का पल्लव नहीं बना होगा उस घर में भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। आम को आशीर्वाद दिया, आम का वृक्ष को फिर आशीर्वाद दिया। तीसरा आशीर्वाद कि तुम्हारे लकड़ी के बगैर कोई यज्ञ को पूरा नहीं माना जाएगा, तुम्हारा लकड़ी, तुम्हारा संपूर्ण शरीर भगवान की मेरी पूजा में अर्पित होगी। लकड़ी बताओ, जले तो भस्म बनता, महादेव जी लगाते हैं। आम का पत्ता कलश की स्थापना में लगता है और बचा फल भगवान के भोग में लगता है। संपूर्ण आम के वृक्ष को आशीर्वाद दे दिया, कामदेव भस्म हो गए। भगवान नारायण शादी की तैयारी करने लगे, उधर शादी की तैयारी होने लग गई, बारात सजने लग गई। नारायण भगवान ने देवताओं को कहा देवता तो सज गए। अब भोले बाबा ने कहा हम तो शमशान में रहते, हमारे साथ जो लोग घूमते वो कहां जाएंगे?
तो भोले बाबा ने अपने साथ रहने वाले भूत प्रेतों को भी आमंत्रण कर दिया। भूत प्रेत सब तैयार हो शादी में। भगवान नारायण के गए, कहने लगे प्रभु चलो, तो कहने लगे चलो, बोले ऐसे जाओगे? माथे में जटा, कहीं कहीं सांप लगा ही लटक रहा है, डमरू त्रिशूल और नंगे धुरंगे थोड़े कपड़े ही पहन लेते। भगवान ने कहा हम तो चलेंगे, ऐसे करानी है तो कराओ, नहीं करानी ना कराओ, हमको क्या करना है, शादी करानी है सो कराओ और ना करानी सो ना कराओ। भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं, बंद हो गया फोन। भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रभु ऐसे ही चलो। सो घोड़ा तैयार किया। भगवान ने कहा घोड़े में क्यों जाए, हमारे पास सवारी नहीं क्या? सो भगवान नंदी में बैठ गए। भगवान नंदी में बैठे, सीधे नहीं उल्टे बैठे। नारायण भगवान ने कहा प्रभु उल्टे काहे बैठ रहे हो? बोले उल्टे इसलिए बैठ रहे क्योंकि हमारे पीछे पीछे भूत चलेंगे। नारायण भगवान ने कहा भूतों को लेकर जाओगे? और कहीं नाचते नाचते भूतों को भूख लग गई तो दो चार देवता अपसेंट हो जाएंगे रास्ते में ही गप। प्रभु ये क्या करो? कहने लगे चिंता क्यों करते हो, आगे आगे देवता नाचेंगे, बीच में मैं रहूंगा और पीछे पीछे भूत नाचेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, मैं बीच में हूं ना भूतों को। कहने लगे प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन वहां भूत जाएंगे तो शादी में जो लोग आए होंगे माता पार्वती के पक्ष वाले, उनका क्या होगा, वो लोग रुकेंगे। कहने लगे हमको क्या करना, शादी करना है सो करे, नहीं करना सो न करे। नारायण भगवान ने कहा प्रभु आप ही जैसा कहो वैसा सही, हम तैयार हैं। अब भैया भोलेनाथ जी बैठ गए। भोलेनाथ जी नंदी पर बैठ गए और नंदी पर बैठ करके शादी को लेकर भोलेनाथ जी तैयार हो गए। आगे आगे देवता सुंदर सुंदर सज धज करके सबसे आगे नारायण भगवान चल रहे हैं और बैंड बाजा बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, बीच में भगवान शिव और पीछे भूत प्रेत नाच रहे हैं। और दरवाजे पर जब बारात पहुंची तो सामने तो देवता, सबों ने सोचा अरे भैया जब बराती इतने सुंदर तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। बराती नारायण भगवान को देखा तो मैं उसने ना माता जी ने कहा आप जमाई राजा? नारायण भगवान ने कहा हम थोड़ी जमाई राजा हैं, हम तो बारात का नेतृत्व तो कर रहे हैं। सो लोग गाने लग गए क्या, द्वारे पे आ गई बारात हो मैना रानी आरती उतारो, द्वारे पे आ गई बारात हो मैना रानी आरती उतारो, द्वारे पे आ गई बारात हो मैना रानी आरती उतारो, द्वारे पे आ गई बारात हो मैना रानी आरती उतारो, द्वारे पे ताली बजाओ ना, नहीं भोले बाबा आज आपके घर में रात को बारात लेकर आएंगे। और भोले बाबा के साथ बारात में कौन कौन है हमको बताने की जरूरत नहीं है, भूत प्रेत पीछे नाच रहे हैं और रात को आपके खटिया के अगल बगल दो चारों भूत नाच गए ना, तो तू समझ जाना। भोले बाबा की आ गई बारात हो मैना रानी आरती उतारो, भोले बाबा की आ गई बारात हो मैना रानी आरती उतारो।
जयकारा में माइक वाली जयकारा सबसे जोर से लगा। आप लोगों की जयकारा ऐसे लगा कि बकरी को चिमटी काट दोगे तो कैसे मिन में आती। जयकारा को जोर से लगाओ तभी तो भगवान शंकर कहेंगे बराती हमारे संगे आए हैं नैठा वाले। भगवान की शादी में चलना है कि नहीं चलना है? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दिल भावे भवे का कमाल सखिया, चारो दिल भावे का कमाल सखिया। भोले बाबा की शादी हो
और सीता मैया का भजन बन जाओ तो नाराज हो जाएंगे ना, मिथिला वाले हो आप लोग। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, भजन आप लोग को याद है कि नहीं याद है? बड़ा बजता आप लोगों के लिए जा रहा हूँ ये, और आप ही लोग नहीं जाओगे तो हमको आनंद कहाँ आएगा? फिर अयोध्या में जाकर के भगवान राम जी को शिकायत करेंगे, जाकर कृपा न करो हम त्रिपुरारी सोन पाव मुनि भक्ति हमारी। मैं कह दूंगा शंकर जी की शादी में आपका भजन गाया तो मिथिलावासी तालियां नहीं बजाएंगे, शिकायत कर दूंगा।
इसलिए भाव से ताली भी बजाओ और गाओ क्या मगन मगन आज मगन भरतिया मगन आज मगन भरतिया मगन आज मगन के सावर सुरतिया के सावर सुरतिया के सावर सुरतिया मगन आज मगन भरतिया सावन सुरतिया बाल नारी सबके हाल सखिया बाल बाल नारी सबके हाल सखिया बाल नारे सब हाल सखिया चारो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया जो मिथिला चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भगवान की बारात पहुंची और भगवान की बारात पहुंची हिमाचल राज्य के दरवाजे में। अभी भजन गा रहे थे ना, द्वारे पे आ गई बारात, भोले बाबा की आ गई बारात, वो मैना रानी आरता उतारो। तो जब शादी दरवाजे में पहुंचती है तो माताएं क्या करती, जो बराती आते हैं उनके तिलक करती हैं, मालाएं पहनाती, आरती उतारती, सोने की थाली में सोने की बाती, सोने की थाली लेकर आई है माता आरती उतारने के लिए। और माता जैसे ही देखें नारायण जी को, माता जी जैसे ही देखें इंद्र देवता को और देवताओं, बड़े गदगद हुए, चारों तरफ यही हल्ला हो कि भैया जिसकी बराती इतने सुंदर उसका दुल्हा कितना सुंदर होगा। पूरे हिमाचल राज में यही हल्ला हो रहा है, अरे देखो बराती एक से एक सुंदर सुंदर बराती जम के नाच रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर बराती। अच्छा पूरी बारात पार हो गई, पीछे भगवान भोलेनाथ नंदी पर उल्टे बैठे बैठे आ रहे। मैना रानी बोला ये कौन है, किसी ने कहा यही तो दुल्हा बाबा है। और मैना रानी ने कहा ये दुल्हा है,
तो दुल्हा के पीछे कौन आ रहा है? कहने लगा मैं बराती तो यही है भूत परे। अरे राम राम। सो मैना रानी के हाथ से थाल गिरा, वो तो बेहोश हो गई। और जितने हिमाचल राज्य के यहाँ मैना रानी के साथ सखियां, वो कह रहे ना कलश गंगा जल संग सखी सखियां, वो सखियां तो गंगा जल का कलश रख करके घर भागी। भागो 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 भागो, भूतों की बारात आई है, भूतों की बारात। दरवाजा खिड़की बंद करके ऊपर नीचे का गेट, अरे भूतों की बारात। और दुल्हा भी ऐसा दुल्हा जो घोड़े पर बैठकर नहीं नंदी पर बैठकर आया, और सीधा नहीं उल्टा बैठ करके आया, और पूरा नागा बाबा बनकर आया। धन्य है दुल्हा। अरे भैया भूतों की बारात में जो जाओगे भूत उसी को खा जाएगा। सब कोई भाग गए, भगदड़ मच गई। मैना रानी को ले जाकर के अंदर रखा, वैद्य राज आए, होश में लाए। और मैना रानी नारद जी को कहने लग गई कि नारद जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैंने आपका किया क्या था, मैंने ऐसा कौन सा अनिष्ट कर दिया नारद जी जिस कारण से आपने ऐसा वध खोला। भगवान नारायण आए हैं समझाया। तो कल कहा था ना, जे जे बड़ के दोष बखानी सो शिव पही मैं अनुमानी। अनुमान है, पक्का नहीं बता सकते। कल ही तो नारद जी ने बोला था, भगवान ने समझाया। श्री भोलेनाथ जी सुंदर रूप धारण करके माता पार्वती के साथ विवाह रचाते। भगवान भोलेनाथ जी ने सुंदर रूप धारण किया, और भगवान भोलेनाथ जी सुंदर रूप धारण करके और भोलेनाथ जी की शादी किस दिन हुई थी आपको पता है? हैं? कब हुई थी? शिवरात्रि। कितने लोग मानते हो कि भोलेनाथ जी की शादी शिवरात्रि को ही? हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। जो लोग मानते भोलेनाथ जी की शादी शिवरात्रि को ही, हाथ नीचे। शिवरात्रि के दिन भोले बाबा की कोई शादी वादी नहीं हुई थी। शिव महापुराण कहता है वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हुआ। कौन सी तिथि थी? वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। शिवरात्रि के दिन तो बारात निकली थी, और इतनी दूर बारात, भूत प्रेत नाचते फांसते आए। शादी कब हुई? बैसाख महीने, चैत्र के बाद बैसाख, और बैसाख के बाद फिर भगवान गए श्रावण लगा। बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन शुक्रवार था जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी की शादी हुई। अब मैंने पहले दिन ही कहा था ना, शिवरात्रि को उपवास क्यों रहते हैं? क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की थी, इसीलिए उस दिन व्रत रहते हैं। किसी की शादी में भूखे पेट रहा जाता है कि भर पेट खाया जाता है? अब समझ में आया शिवरात्रि को व्रत क्यों करते हैं? पहले दिन मैंने कथा बताई थी, जो नहीं आए वो गए, जो आए होंगे उनको पता चला। ये शिवरात्रि थी। देखो आपके यहां यह संपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है ना,
अब ऐसे तो नवरात्रि में कोई कार्यक्रम इतना भव्य करने की कोई तैयारी नहीं थी, कार्यक्रम तो छोटे ही रूप में करना था, लेकिन बड़े रूप में परिवर्तित हो गया। और आप सबको पता है कार्यक्रम जब होता है तो कार्यक्रम करने के लिए खर्चा आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, फ्री में तो कुछ होता नहीं। अब नवल जी ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी आपको आना, हमने कहा आएंगे नवरात्रि में, डेढ़ साल दो साल पहले कह दिया था, अब वो दो साल से फोन करें, स्वामी जी आऊंगा, स्वामी जी आऊंगा, झूठा ही बोलते रहा। इस बार लॉकडाउन पड़ा तो नवल जी को जो है मौका मिला, खूब आना है आना है, नवरात्रि में आइए, अब तो कार्यक्रम आज हमने कहू दिया, आ भी गए, भले ही खोपड़ी में झोला ढोकर आना पड़ा तो आना तो पड़ा, आ गए। अब देखो आप सब लोगों से अनैठा मैं दो बार आ चुका हूं, इसलिए लगाव है। नवल जी का बोले स्वामी जी दक्षिणा पानी क्या लोगे, हमने कहा दक्षिणा पानी क्या, इसे ही आ जाते क्या दक्षिणा पानी, हमने कहा हमारे साथ लोग चेले चपाटी चलते, साज गाज वाले आठ दस लोग चलते तो उनकी दक्षिणा पानी भाई। अच्छा तब हम हरिद्वार से चले, ट्रेन में आए, सीतामढ़ी रुके, यहाँ आए, फिर जाएंगे तो कछु नहीं, 5-7 हजार रुपए का तो खर्चा तो लगता कि नहीं लगता। अब बाबा जी से फ्री फंड की कथा सुनो तो लाभ मिलेगा, कुछ लाभ होगा। हमने नवल जी का देखो कोई दक्षिणा पानी मत देना, आएंगे जाएंगे किराया भाड़ा टिकट टिकट टुकट बना देना और बढ़िया 9-10 दिन रुकेंगे, रोटी पानी भले ही खिला दो ना, जानकी माता का दर्शन करा देना और रास्ता खुला रहेगा तो हम काठमांडू भगवान पशुपतिनाथ के यही बहाने दर्शन कर लेंगे दक्षिणा पानी। 8-10 हजार रुपए खर्चा, कई हनुमान जी की कृपा से सब, बोले व्यवस्था क्या, हमने कहा एक छोटा सा माइक रख लेना, अब हमको क्या पता था कि ये कपड़ों बंधा लेंगे, हम तो सोच रहे थे 10-20-50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, छोटी मोटी हम भी एक आध घंटे का प्रवचन ही कर देंगे। अब देखते देखते कुछ लोगों ने सहयोग भी दिया, कुछ लोगों ने कहा भी, और हनुमान जी की कृपा से धीरे 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 हमको तो लगता जो 3 साल पहले यज्ञ हुआ था उतना ही बड़ा ये कार्यक्रम हो गया, बस यज्ञ नहीं हो रहा है, समझो हो रहा है, उतने ही लोग आ रहे हैं जितने लोग कथा में, उस समय उधर पांडाल लगा हुआ था, इधर यज्ञ होता था, पारायण नवाह पारायण अखंड कीर्तन चल रहा था तो अखंड कीर्तन के जगह रामायण का पाठ चल रहा है, वो भी नवरात्रे थे, वो चैत्र की नवरात्रे थे, ये अब वाले नवरात्र, अंतर इतना ही है, कार्यक्रम तो वही हो रहा है। अब देखो कार्यक्रम हो रहा है तो भी कुछ ना कुछ, हमने पूछा भाई टेंट टूंट लगाए, 40-50 हजार रुपए का तो खर्चा ऐसे ही आता है, जनरेटर चल रहा है और सब चल रहे हैं, हाँ? और हम भले ही फ्री बोलकर आ गए लेकिन महात्मा लोग जानते हैं फ्री बोलकर जाओ तो भी कुछ नहीं, तो लास्ट में आदमी दक्षिणा पानी तो देवे ही करता है। और मेरी आदत है मैं कहीं भी जाता हूं तो कोई पैसा वैसा बोलकर भगवान का प्रवचन करना भजन करना, हमने इशारे इशारे में बोल दिया किराया भाड़ा अपना दे दीजिएगा और क्या है। तो आप सब लोग सबका, हमको कुछ दो ना दो, हमको दोगे ना दोगे, हमको दोगे तो सीधे हमारे कमंडल में आ जाएगा। देखो भाई जो बात है वो सच है, लोगों का झोला कमंडल बहुत बड़ा होता, इसलिए आप लोग जो भी, एक मैं कल सुन रहा था किसी ने 11 हजार रुपए दिए, किसी ने 3500 रुपए दिए, किसी ने 2100 रुपए दिए, किसी ने 500 रुपए दिए, सबका सहयोग, नाम मुझे नहीं पता, जो दिए हो जैसे दिए हो, कोई छोटा भी देगा सामर्थ्य के अनुसार। देखो मुझे तो विश्वास है गांव के लोग, गांव और शहर में एक बड़ा अंतर आपको बता देता हूँ, मैं भारत में अक्सर कहता हूँ
गांव और शहर में जो बड़ा अंतर है, शहर के लोग हाथी गणेश जी को हाथी मानते हैं, शहर के पढ़े लिखे लोग गणेश जी को हाथी मानेंगे और बाबाओं को भिखारी मानेंगे। बाबाओं को भिखारी, गणेश जी को हाथी, और वही गांव के लोग हाथी को गणेश जी मानेंगे और भिखारी तक को बाबा मान लेते हैं। हाथी भी आया तो पूजा करते, तिलक सिंदूर लगाते, फल चढ़ाते, ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी को ही मान करके हाथी की पूजा करते, और कोई राम राम की चादर डाल के दरवाजे में बाबा ना भी हो, गृहस्थी ही क्यों ना हो, भिक्षा मांगने पहुंच जाए तो हम उसको भी प्रणाम करके भिक्षा दे देते। गांव और शहर में ये अंतर, और शहर में कोई बाबा ही क्यों ना हो, कहीं पहुंच जाओ तो बोलेंगे ले भीख मांगने आ गया। ये गांव शहर का अंतर है, शहर के लोग और गांव के लोग में एक बड़ा अंतर। और कल सेठ जी की कथा सुनाई थी ना, शहर के लोग सबसे छोटा नोट निकालते हैं और गांव के लोग सबसे बड़ा नोट निकालते हैं। ताली तो बजा लो कम से कम अपने लिए, आपकी बड़ाई कर रहा हूं। और मैं शहर में ये बात बिल्कुल खोल लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मेरे जितने चेले चपाटी सब शहरी वाले हैं, सब देखेंगे और बाद में कहेंगे। कल एक ने मैसेज भेजा हमको, बोले महाराज आप तो सेठों की दो दशा कर रहे हो, सेठों के दम पे ही आपका आश्रम चल रहा है। हमने बोला जो बात कही वो सच ही कही, सेठ होते हैं महाकंजूस, मक्खी भी मिल जाए तो चूसेंगे नहीं, मक्खी तक को खा जाएंगे, कुछ भी तो मक्खी पेटों में गया होगा। लेकिन गांव के लोग श्रद्धा निष्ठ होते हैं, इसलिए आप सब लोग चार पांच दिन तीन दिन का जो भी कार्यक्रम, आज 22 है, 25 तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे, 26 को फिर मैं प्रस्थान करूंगा, 25 तक कार्यक्रम करेंगे आप सब, 23 24 25 तीन दिन बचा हुआ है, आनंद से कथा सुनो। और बहुत लोग सहयोग दे रहे हैं, बहुत लोग सहयोग भी दो, जिससे देखो सहयोग देने से दो लाभ है। एक, जो लोग मिल करके, सबका सामूहिक कार्यक्रम है, आप सबका ही तो कार्यक्रम है, आप सब लोगों के ही कहने पर मैं यहाँ आया। नवल जी अक्सर कहते थे फोन से कि स्वामी जी सब गांव वाले पूछते हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, हमेशा। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा स्वामी जी आप आइए, उन्होंने कहा गांव वाले लोगों की इच्छा है कि एक बार आप आइए, चाहे एक दिन के लिए आइए, चाहे दो दिन के लिए आइए, लेकिन आइए। अच्छा बाबा लोग भी सोचते हैं फ्री फंड का घूमने क्या करने जाए, जाए कुछ कथा प्रवचन हो तो जाए। तो हमको तो मौका मिल गया नवरात्रि का, और बढ़िया कथा हो रही है आपके साथ, सब कोई कथा सुने, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच सच बताना, झूठ मत बताना, झूठ बोले उसे काट खाए कौआ, झूठ मत बोलना। बाबाओं को झूठ, दो लोगों को झूठ कभी नहीं बोलते, एक बाबा को एक गुरुजी को, और दो लोगों से तर्क भी नहीं करना चाहिए, एक बाबा गुरुजी और तीसरा डॉक्टर, दो लोगों से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, गुरुजन महात्मा जन और दूसरे डॉक्टर जन। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भैया देखो आपको शुगर हो गया है, चावल चीनी आलू मत खाना। क्या क्या बोला? चावल चीनी आलू मत खाना। तभी पेशेंट ने बोला अरहर की दाल खा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा चलो अरहर की दाल खा लेना। फिर बोला मूंग की दाल खा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा मूंग की दाल खा लेना। भिंडी की सब्जी खा सकते हैं? चलो भिंडी की सब्जी खा लेना। लौकी की अच्छा लौकी की सब्जी खा लेना। करेला अच्छा करेला भी खा लेना। नींबू पानी पी सा हाँ नींबू पानी पी लेना। साग अच्छा साग खा लेना। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब थोड़ा साग भी आप लिखे दियो तो रसगुल्ला कभी कभी चलो रसगुल्ला कभी कभी
और कभी मन गया तो अच्छा चलो कभी चावल, और कभी जैसे पार्टी में चले गए आलू की सब्जी, अच्छा चलो कभी कभी आलू की सब्जी। जब कराना अपने मन ही का है तो डॉक्टर और गुरुजनों के पास ही क्यों गए, महात्मा बाबाओं के पास ही क्यों गए? यदि अपने ही मानना है, अपने ही चलाना है, तो गुरुजन महात्मा जन के पास जाने की आवश्यकता ही क्या? हाँ, तो आप सब लोग संपूर्ण सहयोग ये कार्यक्रम में हो, और यदि होगा तो फिर भविष्य में फिर आगमन होगा। मैं तो नवल जी को कह रहा हूं और कुछ लोगों को भी कह रहा हूं कि यज्ञ 5 साल यज्ञ का हो जाए तो फिर भव्य रूपेण यज्ञ का कार्यक्रम कराइए, सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम कराइए। मुझे नवल जी बता रहे थे कि ये घाट का सौंदर्यकरण को लेकर कितने करोड़ रुपए का फंड आया है, सरकारी फंड, काम होगा, घाट बनेगा। फिर हमने नवल जी को कहा कि इसमें गंगा आरती के लिए सुंदर बनारस जैसे घाट बनाइए, गोल गोल कमल के फूल 2-3 जैसे जनकपुर में बना हुआ है। और मैंने कहा 2 साल में यदि घाट पूर्ण हो जाएगा तो सरोवर कुंड का संस्कार होता है, यदि 2 साल में पूर्ण हो जाएगा तो भारत की प्रधान, वो कहते हैं ना गंगा यमुना गोदावरी सिंधु कावेरी, तो मैंने कहा 7 नदियों का जल मैं खुद घड़े में लेकर आएंगे और नदी का संस्कार भी करेंगे। करें कि ना करें? हाँ? गंगा यमुना गोदावरी, तो यमुना भी नहाना हो तो इसी में डुबकी लगा लेना, गंगा भी नहाना हो तो इसी में डुबकी लगा लेना, गोदावरी भी नहाना हो तो इसी में डुबकी लगा लेना। 7 नदियों का जल, अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है तो भारतवर्ष के सभी नदियों का जल लाया गया, भारतवर्ष के सभी स्थानों की मिट्टी लाई गई, उन सबको जमीन मंदिर निर्माण के नीचे डाल करके फिर मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ये तो खैर हमारी विचार, मेरा विचार था, मैंने अपना विचार दिया, और करने वाले देखो हनुमान जी हैं और करवाने वाले भी हनुमान जी हैं, और मेहनत करने वाले आप सब अनैठा वाले हैं। करोगे तो होगा, संकल्प ठानोगे तो हनुमान जी करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, ये जो सुंदर भव्य अनुष्ठान हुआ, इस भव्य अनुष्ठान में आप सबका सहयोग मिले, अनुष्ठान न भी हो तो एक काम अवश्य आप सब करना, मंदिर में रोज आने का नियम बनाओ, रोज मंदिर आओ, रोज संत भगवान का दर्शन करो, रोज हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाओ, हनुमान जी के माथा टेको, रोज करो। इसीलिए यह शिव पुराण आपको सुना रहे हैं। अब 9:20 हो गए, कथा को विश्राम की तरफ ले जाएंगे। कल आप लोगों को कुमार खंड की कथा बताएंगे, कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज जी की पावन कथा को बताएंगे, कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, गंगा भगवान महादेव की जटाओं पर कैसे गई, माथे पर कैसे बैठी, भगवान शिव के पुत्र होते हुए भी कार्तिकेय गंगा पुत्र कैसे हो गए, माता पार्वती के गर्भ से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ, और माता पार्वती ने देवताओं को क्या श्राप दिया, ये सारी कथाएं कल आपको मैं बताऊंगा। महाराज जी कुछ कहेंगे स्थान पर? अच्छा ठीक है, जय कल आप सबों को यह सारी कथाओं को मैं बताऊंगा। नवल जी से निवेदन है आरती की थाली तैयार कर ले, और वो एक भाई साहब मेरे पास आ जाए थे सुबह, हाँ गए, नाम उनका भूल गया मैं, हाँ लाइट प्रशांत बंद कर दो, बंद है।